आज मैं 12 लग्नों के अंतर्गत वृषभ लग्न जो द्वितीय लग्न है उसका विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ। वृषभ यानी बैल, वृषभ बैल को कहा जाता है संस्कृत में, और वृषभ लग्न दूसरी लग्न है जो मुख का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। तो मुख से उसका स्वाद का उसका विशेष तारतम्य बना रहता है। ये वृषभ लग्न वाले देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अत्यंत सुंदर होते हैं, लावण्य युक्त तो उनका चेहरा मोरा रहता है। ना तो लंबे कद के होते हैं, ना छोटे कद के होते हैं, ना मोटे होते हैं, ना दुबले होते हैं, एकदम हैंडसम शरीर, बटका शरीर रहता है इनका। और वृषभ यानी बैल होता है, और ये स्त्री राशि है, वृषभ राशि स्त्री राशि है, तो इसके अंदर स्त्रियोचित गुण रहेंगे। पुरुष की राशि अगर है तो स्त्रियोचित गुण रहेंगे, इन बोलने में उसका जो ट्यूनिंग है वो स्त्रियों जैसी निकलेगी। और खान पान में ये विशेष प्रवीण रहेंगे, उसमें कोई जो है सो स्वाद अच्छा चखना जानते हैं। वृषभ यानी बैल होता है, बैल का स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये पशु पक्षियों के आधार पर जो है सो इन राशियों का जो चेहरा मोहरा वर्णन किया है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो वृषभ यानी बैल का कारण है कि वृषभ लग्न वाले बैल जैसे होते हैं, बैल का जो स्वभाव है वो इनके अंदर पाया जाता है। बैल जो है सो क्या करता है, सामने वाला अगर सामने कोई बैल या दूसरा पशु खड़ा हुआ है तो उसको दूर से देख कर, अपने जाति को देख यानी बैल को देख कर बैल जल्दी से जो है सो क्रोधित होता है। अगर सामने अगर कोई बैल खड़ा हुआ है तो ये सामने यहीं से बैठे बैठे दूर भी है तो भी वो खुली खेलेगा, एकदम उसके ऊपर लड़ने के लिए सींग को इधर उधर करेगा, यानी लड़ाई की जो है सो उसके अंदर एक शौक रहता है। भलाई वो हार जाए लेकिन वो कितने बलवान बैल हो नहीं, लेकिन इसका स्वभाव है खुली खेलने का, उसके लड़ने की प्रवृत्ति का, तो जाकर उसके भिड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो मजबूत है तो इसको मार भी दे तो पीछे से भाग भी जाएगा, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, एक बार मुठभेड़ दे ही लेता है। इसी प्रकार से वृषभ लग्न वाले लड़ाई झगड़े में बड़े प्रवीण होते हैं, और ये अपने स्वजाति बंधुओं में हमेशा वैर भाव रखने वाले होते हैं। इनको अपने स्वजाति बंधुओं से लड़ने की बहुत विशेष आदत होती है। तो जिस प्रकार से बैल को देखकर बैल की आदत होती है, इस प्रकार वृषभ लग्न वालों का ये स्वभाव होता है। अच्छा, वृषभ लग्न का स्वामी होता है शुक्र, राशि का स्वामी शुक्र होने से शुक्र का स्वभाव भी इनके अंदर पाया जाता है। शुक्र कैसा ग्रह है, मोजिसों की ग्रह है, शुक्राचारी का अंश है, माया भी प्रकृति का होता है, तो माया छल कपट इनके अंदर विद्यमान रहता है, लेकिन स्वभाव से ये मालूम नहीं पड़ते, गुस्सा इनके अंदर विद्यमान स्थायी रूप से रहता ही है। स्थायी रूप से गुस्सेले होते हैं, और अपने प्रिय के लिए अपना जिसको वो चाहते हैं उसके लिए अपने सर्वस्व लुट जाए, लेकिन अपना सब व्यक्तित्व भी खत्म हो जाए तो उसके लिए कल्याणकारी करने में प्रवीण होते हैं। जिस प्रकार से शुक्राचारी अपने शिष्य बलि को जो है सो दान देने के समय जो है सो एक तृण के अंदर बैठ करके और जल के पात्र को बंद कर दिया था, जिसमें कि ये भगवान वामन को ये पूरी पृथ्वी दान न दे दें, तो अपने प्रिय की चाहत के लिए उनकी आंख फुड़वा ली उन्होंने, लेकिन जो है सो अपने शिष्य का उन्होंने भला करने का काम किया। उसी प्रकार से अपने प्रिय को काम करने के लिए वृषभ लग्न वाले सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, ये वृषभ लग्न का स्वभाव होता है। अब वृषभ लग्न में सूर्य अगर बैठता है तो क्या करता है, सूर्य अगर बैठता है तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है, सूर्य उसका विरोधी होता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है सो स्त्रियों से विरोध करने वाले होते हैं, और विशेष करके स्थाई रूप से इनके अंदर एक गुस्सा स्थाई रूप से भरा रहता है। और अगर चंद्रमा वृषभ लग्न बैठता है तो यहाँ चंद्रमा उच्च राशि का हो जाता है, तो वृषभ लग्न है और चंद्रमा उच्च राशि का बैठता है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लावण्य प्रवीणता रहेगी, चेहरा सुंदर हो रहा, देह उसका सुंदर होगा,
देखने में अत्यंत सुंदर होगा। लड़का हो या लड़की देखने में लावण्य युक्त होते हैं, वाणी में मधुरता रहती है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं और निर्भीक और साहसी होते हैं। मंगल यदि वृषभ लग्न में होता है, मंगल वृषभ लग्न में होता है तो पत्नी से विरोध करने वाला होता है, दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है और इनका जो है सो स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आकर्षण इनको होता है, स्त्रियों का आकर्षण इनके प्रति नहीं होता। अगर यदि बुध बैठता है वृषभ लग्न है तो उसका मित्र क्षेत्रीय होने के कारण बुद्धिमान होगा और उसका शिक्षा विभाग में उसको विशेष अभिरुचि होती है और देखने में आड़ा तिरछा देखने वाला होता है। जब भी देखेगा उसकी सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है लेकिन दृष्टि उसकी देखने में आड़ी तिरछी दिखेगी। इस प्रकार से और गुरु अगर वृषभ लग्न में बैठता है तो गुरु की वो शत्रु राशि है लेकिन फिर भी जो है सो गुरु ज्ञान संपन्न बनाता है और धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है। और शुक्र अगर वृषभ लग्न में बैठता है तो स्वयं की राशि है, वो मालव्य योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण होता है और अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण होने के साथ साथ जीवन में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। अन्य धन की कमी नहीं रहेगी, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, अच्छा सुख ऐश्वर्य, अच्छी पत्नी, ऐश्वर्य युक्त सुख साधन संपन्न व्यक्ति होता है और नामधारी होता है और देखने में अत्यंत सुंदर, उसकी आँखें बड़ी आकर्षण वाली होती हैं। इस प्रकार से और शनि अगर लग्न में वृषभ लग्न में बैठता है तो मित्र क्षेत्रीय होने के कारण थोड़ा सा जिद्दी रहेगा लेकिन लोहे से मशीन से विशेष के धन संपन्न बनाता है और अनेक स्रोतों से देश विदेश से लाभान्वित करने वाला होता है। राहु अगर वृषभ लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को जो है सो धन संपन्न बनाने के साथ साथ इसमें कल्याणकारी भावना विशेष बनाने वाला होता है और माया भी प्रकृति का होने के कारण छल कपट प्रपंच इसके अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और केतु अगर वृषभ लग्न में बैठता है तो स्त्रियों से इसका विवाद कराने वाला होता है और कहीं न कहीं अपमानित होता है स्त्रियों के द्वारा। इस प्रकार से 12 9वीं ग्रह वृषभ लग्न में बैठने का आपके सामने फल वर्णन किया। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।